नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर वन चैनल। जी हां, पेश है 29 जुलाई और सोमवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश के 10 राज्यों के 6 नए राज्यपाल बनाए गए, 3 का हुआ ट्रांसफर। हरिभाऊ बागड़े बने राजस्थान के, तो रामेन डेका छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। मोदी 3.0 में पहली बार 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और प्रशासक बदले गए हैं। राष्ट्रपति भवन ने शनिवार देर रात से नए राज्यपाल और 3 के ट्रांसफर का आदेश जारी किया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का गवर्नर बनाया गया है। वहीं असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया पंजाब के नए राज्यपाल होंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ के प्रशासक का जिम्मा भी संभालेंगे। हरिभाऊ किशनराव इधर बागड़े राजस्थान के होंगे नए राज्यपाल। वहीं संतोष गंगवार झारखंड के बने राज्यपाल, जो कि 12वें राज्यपाल बनाए गए हैं। साथ ही गुलाब चंद कटारिया और पंजाब और चंडीगढ़ के, तो वहीं सीधी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के, तो ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिला है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता। शूटिंग में मेडल दिलाने वाली भारत की पहली महिला। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय शूटर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला है। उन्होंने फाइनल में 221.7 पॉइंट्स के साथ कांस्य जीता है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मनाई जाएगी सावरकर जयंती। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का भी उत्सव होगा। 213 दिन ही पढ़ने जाएंगे बच्चे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 28 मई को सावरकर जयंती है, वो मनाई जाएगी। हालांकि इस दिन स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हैं। वहीं 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर स्कूलों में उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दिन को स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने रविवार देर रात को प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों के लिए कैलेंडर 2024 और 25 जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 213 दिन संचालित किए जाए स्कूल। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी की ओर से जारी कैलेंडर के मुताबिक इस बार साल के 365 दिनों में केवल 213 दिन ही स्कूल संचालित होंगे। इसमें रविवार का अवकाश भी शामिल है। प्रदेश भर में 1 जुलाई से स्कूल का सेशन शुरू हो चुका है। अगली बड़ी खबर, यमुना जल समझौते में राजस्थान को अतिरिक्त पानी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा ऐलान, पहले हरियाणा लेगा अपने हिस्से का पानी, उसके बाद अन्य राज्यों को मिलेगा। बड़ी खबर है, यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान को अतिरिक्त पानी ही मिलेगा। पहले हरियाणा अपने हिस्से का पानी लेगा, उसके बाद अगर अतिरिक्त पानी बचता है तो वो राजस्थान को देगा। ये बात उन्होंने राजस्थान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कही है। इससे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर खट्टर ने हरियाणा के विधानसभा में भी इस बात को कहा गया था। लेकिन इस बार फिर से जयपुर में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा को पानी की सप्लाई हथनी कुंड बैराज से ही होती है। हरियाणा के पास अगर अतिरिक्त पानी होता है तो वो दूसरे राज्यों को भी देगा। वहीं बता दें कि यमुना जल समझौते में राजस्थान के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। सीएम बजेला शर्मा ने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ 17 फरवरी को तत्कालीन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में यमुना जल समझौता किया था। इसका श्रेय लगातार बीजेपी की सरकार ले रही थी। कांग्रेस शुरू से ही इस समझौते को लेकर बीजेपी पर राजस्थान के हितों का ध्यान नहीं रखने का आरोप लगाती आई है। कांग्रेस का कहना है कि यमुना जल समझौते की शर्तें ठीक नहीं है। समझौते के मुताबिक 24,000 क्यूसेक पानी हरियाणा को पहले देने का प्रावधान नहीं है। अगली बड़ी खबर, अहम खबर है, वीएससीएफपी अध्यक्ष बोले जनसंख्या घुसपैठ से बढ़ रही है, हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने से ये दुकानों पर नाम लिखने का प्रावधान मनमोहन सिंह सरकार लेकर आई थी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि हिंदुओं को 2 से 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि बच्चे पैदा करने से नहीं बल्कि घुसपैठ के कारण हो रही है। आलोक कुमार ने उत्तर प्रदेश में खाने पीने की दुकान के बाहर संचालक का नाम लिखे जाने की पैरवी की। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने 2011 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में बदलाव करते हुए संचालक का नाम लिखने का आदेश दिया गया था।
मीडिया से बातचीत में आलोक कुमार ने कहा कि चीन ने एक नियम नया बनाया है, इसमें एक ही बच्चा रखने की बात कही गई है, इससे बच्चों की जनसंख्या घटने लगी है। ऐसे में बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाती है। दुनिया की रिसर्च कहती है कि एक बच्चा अहंकारी हो जाता है, उसे किसी से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि घर में 2 से 3 बच्चे पैदा करें अच्छे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। दूसरे T20 में बिश्नोई को 3 विकेट, तो यशस्वी, सूर्या और हार्दिक ने खेली विस्फोटक पारियां। भारत ने श्रीलंका को दूसरे T20 में DLS मेथड के तहत 7 विकेट से हरा दिया है। बड़ी खबर, राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े होंगे। गुलाब चंद कटारिया को असम से पंजाब भेजा गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े राजस्थान के नए राज्यपाल होंगे। उनकी नियुक्ति कलराज मिश्र की जगह पर की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देर रात 9 राज्यपाल नियुक्त किए हैं। राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम, तो गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सभी नगर निकायों और पंचायती राज इकाइयों का करेंगे परिसीमन। UDS मंत्री बोले, एक राज्य एक चुनाव की दिशा में कर रहे हैं काम। स्वायत्त शासन यानी UDS राज्य मंत्री सावर सिंह खरा ने कहा है कि नागौर में ताउसर रोड पर हाउसिंग बोर्ड की जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए अतिक्रमणकारी कहीं भी जाएं इससे कोई मतलब नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से पट्टे जारी करने के सवाल पर राज्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि यह मामला आज संज्ञान में आया है। जयपुर पहुंचने के बाद संबंधित पत्रावली तलब करके जो भी कार्यवाही होगी वो करेंगे और फैसला लेंगे। परिसमन को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पूरे प्रदेश में सभी नगर निकायों और पंचायती राज इकाइयों का परिसमन करेगी। राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव की दिशा में जड़वत होकर काम कर रही है। UDS मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार और करोड़ों की सरकारी जमीन को लेकर जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं उन पर जल्दी रोक लग जाएगी। वहीं राजस्थान में अगली बड़ी खबर, 30 महीने तक लोगों की जेब काटने का काम किया। UDS मंत्री बोले, पिछली सरकार होटलों में मौज उड़ाती रही, 13 लाख पट्टों की फिर से होगी जाँच। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री UDS मंत्री ने कहा है कि पिछली सरकार कांग्रेस में करीब 30 महीने तक प्रशासन शहरों के संग अभियान के जरिए आमजन की जेब काटने का काम किया है। सरकारी छूट के बाद जितनी राशि स्थानीय निकायों को मिली उससे 100 गुना राशि आम आदमी की जेब से निकली है। इसके कारण 13 लाख पट्टों की फिर से जाँच की जाएगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर के थाने में बंद करोड़ों रुपए की 900 मूर्तियां पेंटिंग। इनमें शामिल खजुराहो की प्रतिमाओं के टुकड़ों की कीमत 21 साल पहले 100 करोड़ थी। 348 प्राचीन मूर्तियां, 73 बेसकीमती पेंटिंग्स और 100 से ज्यादा हथियार, ये कोई म्यूजियम नहीं है। जयपुर के थाने में रखा बेसकीमती सामान है, इनकी संख्या 900 से ज्यादा है। ये अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति तस्कर वामन नारायण घिया से 2003 यानी 21 साल पहले में बरामद हुई थी। 11 साल पहले वामन नारायण घिया को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। ये सामान आज भी थाने में पड़ा है। इनकी कीमत तब 100 करोड़ रुपए थी, वही 1 करोड़ रुपए की पेंटिंग्स भी है। राजस्थान विधानसभा के बजट में सेशन के दौरान एक बार फिर से इस बेसकीमती सामान का मुद्दा उठा है। इस जवाब में सरकार ने कहा कि ये बेसकीमती सामान है। सरकार ने भी अपने जवाब में बताया कि इनकी जांच कराकर म्यूजियम में रखा जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 16 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। भारी बारिश के कारण 2 डैम के 7 गेट खोले गए, अब भी सामान्य से कम बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने नए लो प्रेशर सिस्टम के बाद से राजस्थान में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र यानी जयपुर में अगले 4 से 5 दिन राजस्थान में मानसून के सक्रिय रहने और उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। आज भी 16 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रविवार देर रात तक रुक बारिश है वो लगातार होती रही। वहीं MP में हो रही तेज बारिश से कालीसिंध और संबल का जल स्तर बढ़ गया है। कोटा बैरेज के 6 गेट और कालीसिंध बांध का 1 गेट खोलकर पानी की निकासी भी की जा रही है। अभी भी 16 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 1 सप्ताह एक्टिव रहेगा मानसून। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र के ऊपर आ गया है। मानसून ट्रफ लाइन आज भी सामान्य स्थिति में है। इस कारण राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक लगातार मानसून एक्टिव रहेगा। इसका विशेष प्रभाव पूर्वी राजस्थान के जिलों पर पड़ेगा, जिसमें कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिले शामिल हैं। कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में तो अगले 1-2 दिन में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना IMD ने जताई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान
राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग के कुछ भागों में सीमित भागों के अंदर आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना है। 29 और 31 जुलाई के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना IMD ने जताई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, CM अजय शर्मा को जान से मारने की धमकी। दौसा जेल से कैदी ने किया फोन, आरोपी बोला दवा खाने के बाद होश नहीं रहा। मुख्यमंत्री अजय शर्मा को फिर से दूसरी बार लगातार जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि धमकी दौसा जिले के सहलवास जेल में बंद कैदी ने ही दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने देर रात 2 बजे जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके CM को मारने की धमकी दी। IG जयपुर रेंज अनिल टांग ने बताया कि रात को एक फोन जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम के पास आया था। फोन करने वाले ने पुलिस कर्मियों को कहा कि वो CM को मार देगा। इस पर पुलिस ने फोन नंबर के आधार पर लोकेशन निकाली जो दौसा जिले की निकली। इस पर रात को ही दौसा पुलिस और जयपुर पुलिस की टीम ने सर्च किया। सर्च के दौरान दार्जिलिंग निवासी एक आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर दिया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पौधारोपण करने वाले टीचर्स को ट्रांसफर में मिलेगा अतिरिक्त फायदा। शिक्षा विभाग ने छुट्टियां भी कैंसिल की। मंत्री बोले तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट कर दिया है कि जो टीचर पौधारोपण अभियान में टारगेट पूरा करेगा उन्हें ट्रांसफर में 5 अंक दिए जाएंगे। पंचायत को भी टारगेट पूरा करने पर 10 लाख का एक्स्ट्रा फंड भी दिया जाएगा। अगर आपने पौधों से पेड़ नहीं बनाया तो आपसे बड़ा कोई पापी नहीं होगा। यह भी उन्होंने कहा है कि हम भट्टी के मुहाने पर हैं, कभी भी भस्म हो सकते हैं। मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 4 तारीख से सारी छुट्टियां कैंसिल हो जाएगी। पौधारोपण कार्यक्रम के लिए गड्ढे खोदना और अन्य तैयारियां शुरू कर दो। शिक्षा मंत्री एक दिन के सीकर दौरे पर हैं। उन्होंने यहां पलसाना CSE परिसर में 551 पौधों से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं ताकि दुनिया भी देखे कि भारत माता को प्यार करने वाले राजस्थान में कितने लोग हैं, भारत माता की कितने लोगों को चिंता है। इसे रिकॉर्ड बनाने के लिए आप सबका सहयोग जरूरी है। प्रदेश की 7 करोड़ से ज्यादा जनता पौधारोपण करेगी। इसमें शिक्षक अपना टारगेट पूरा करेंगे तो उन्हें ट्रांसफर में भी 5 अंक दिए जाएंगे। स्टूडेंट अगर अपना टारगेट पूरा करते हैं तो उसे पर्यावरण विषय में 5 अंक ज्यादा मिलेंगे। जो ग्राम पंचायत कम से कम अगर 50,000 पौधे लगाई तो उसको 10 लाख रुपए निर्माण कार्य के लिए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, 5 दिन में कई हजार रुपए घटे सोने के दाम, सोना खरीदने का ही सही समय। बजट में सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी यानी इंपोर्ट टैक्स में कटौती करने का जो तोहफा मिला तो इसकी कीमतें लगातार गिर रही हैं। टैक्स कटौती के बाद लगातार 5 दिनों में ही सोना 3250 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिर गया है, तो वहीं चांदी की कीमत भी 7000 रुपए प्रति किलो तक कम हो गई है। दामों में कमी होने के बाद सराफा बाजार में फिर से रौनक लौटने लगी है। पिछले काफी समय से लगातार सोने और चांदी के दामों में लगातार तेजी हो रही थी, जिससे सराफा बाजार में ग्राहक पूरी तरह से ठप हो गई थी। बजट में टैक्स कमी की घोषणा के बाद सोने और चांदी की दामों में कमी आई है। ऐसे में सराफा बाजार व्यापारी आगामी दिनों में अच्छे कारोबार की उम्मीद भी जता रहे हैं। तो बात करें, आज सोने और चांदी की कीमतों में कटौती हुई है, जो कि 300 रुपए के आसपास कटौती बताई जा रही है। हालांकि सोने लगभग 5 दिनों के भीतर 5,000 से भी ज्यादा की कटौती हो गई है। अगली बड़ी खबर अहम खबर है, सरपंच की बेटी बचाएगी CR जिंदगियां। पश्चिमी राजस्थान की बेटी ने 12 दिन से ब्रेन डेड थी, परिजन ने ऑर्गन डोनेट किया। फ्लाइट से जयपुर भेजा हार्ट, सड़क मार्ग से भेजी किडनी। सरपंच की बेटी ने अपनी मौत के बाद CR जिंदगियां बचा दी। ये राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान की बेटियां हैं। सड़क हादसे में ब्रेन डेड हो जाने के बाद रविवार को परिजन ने उनके अंग दान का फैसला लिया। जोधपुर एम्स में करीबन रविवार को 11:10 के फ्लाइट के जरिए यहां पर हार्ट है वो जयपुर के SMS अस्पताल भेजा गया। एक किडनी को सड़क मार्ग से कार के जरिए भेजा गया जो शाम को SMS अस्पताल पहुंची। हार्ट और किडनी दो अलग अलग मरीजों के ट्रांसप्लांट किया गया है। वहीं एक किडनी जोधपुर में ही 2.5 घंटे चले ऑपरेशन में लगाई गई और लीवर का भी ऑपरेशन जारी है। डॉक्टरों ने 2 दिन ही बाद बता दिया था कि ब्रेन डेड हो चुका है। अनीता के काका ने बताया कि डॉक्टरों की टीम ने हमें 18 जुलाई को ही बता दिया था कि अनीता का ब्रेन डेड हो गया है, लेकिन हमने उसके ठीक होने के लिए करीब 10 दिन का इंतजार किया। अनीता का एपनिया टेस्ट भी करवाया गया, इसमें 10 तरह की जांच हुई थी, इसके बावजूद कोई इंप्रूवमेंट नहीं था। डॉक्टर्स के मुताबिक एपनिया टेस्ट में शरीर में ऑक्सीजन के स्तर की जांच की जाती है, इससे यह मालूम करने का पता चलता है कि ब्रेन डेड की स्थिति में पेशेंट की जिंदगी बचने के चांसेस आखिरकार कितने हैं। इसलिए डॉक्टर्स ने फैसला लिया कि ऑर्गन डोनेट किए जाने से हमें और लोगों की जागरूकता के लिए ऐसा करना सही है। पश्चिमी राजस्थान की अनीता तो गई लेकिन CR जिंदगी जाते जाते बसा गई। एम्स डायरेक्टर गो
गोवर्धन दत्तपुरी ने बताया कि जब से अनीता और उसके बच्चे को लाया गया था, दोनों ही आईसीयू में एडमिट थे, जांच में अनीता का ब्रेन डेड पाया गया। हमने दो बार टेस्ट किया। इस पर परिजन को बताया कि अंगदान की प्रक्रिया के बारे में भी समझाया गया। परिजन की सहमति मिलने के बाद हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए रीजनल सेंटर से संपर्क किया। उन्हें ब्रेन की डिटेल भेजी गई। उन्होंने ये मैच किया कि अंग को कहां कहां पर डोनेट किया जा सकता है। इसके बाद एक किडनी और एक लीवर जोधपुर के मरीज को लगाने का फैसला लिया गया। हार्ट और एक किडनी एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर भेजी गई। वहीं राजस्थान प्रदेश की अलीबड़ी खबर। जयपुर में गायों को तेजाब से डालकर जलाया जा रहा है। पूर्व सीएम जगन्नाथ पाड़िया की बहू केस दर्ज करवाया। जयपुर में गोवंश को तेजाब से जलाने का एक नया मामला सामने आया है। इसके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया की बहू से बच्ची थाने में केस दर्ज करवाया गया है। प्रदेश की अलीबड़ी खबर। जल्दी बीकानेर को मिलेगी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। केंद्रीय कानून मंत्री ने की बड़ी घोषणा। रेलवे की ओर से बीकानेर मंडल को जल्दी एक नई सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस संबंध में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अक्टूबर से बीकानेर से वंदे भारत ट्रेन शुरू होने जा रही है। गौरतलब है कि बीकानेर के बासिंदों द्वारा पिछले काफी समय से मांग की जा रही थी कि वंदे भारत ट्रेन बीकानेर रेलवे स्टेशन भी चलाई जाए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी लगातार इस ओर प्रयास कर रहे थे। ऐसे में अब वंदे भारत ट्रेन संचालित किए जाने की घोषणा बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अली बड़ी खबर। राजस्थान से अब गुजरात जाना हुआ आसान। सप्ताह में दो दिन चलेगी भुज और दिल्ली सराय भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। उत्तर पश्चिमी रेलवे राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के वासिंदों को दो बड़ी सौगात देने जा रहा है। इसके तहत आगामी 2 अगस्त से भुज दिल्ली सराय भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। रेलवे ने इसका पूरा भी शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इस ट्रेन में सुपरफास्ट ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे। रेलवे ने इसका पूरा शेड्यूल है वो जारी करने के साथ ही यहाँ टाइम टेबल है वो जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर। खेती और पशुपालन सहित इन 5 क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को मिलेगा 50,000 रुपए तक का पुरस्कार। कृषि विभाग का नया प्लान। कृषि उद्योगों में श्रेष्ठ काम करने वाले किसानों को अब कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी और नवाचारी खेती पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार प्रदेश के प्रत्येक तहसील के किसानों को दिए जाएंगे। कृषि उन्नति योजना की कृषि विस्तार पर उप मिशन आत्मा योजना के अंतर्गत राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर यह पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 है। कृषि विभाग के मुताबिक पंचायत समिति के स्तर के लिए प्रत्येक किसान को उन्नत खेती के लिए 10,000 रुपए, जिला स्तर पर 2-2 कृषकों का चयन करते हुए 25,000 रुपए प्रत्येक किसान को दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य स्तर पर 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। इस योजना में पहले से पुरस्कृत किसान पात्र नहीं होंगे। इच्छुक किसान संबंधित जिले के कृषि विभाग कार्यालय में जाकर अपना आवेदन कर सकता है। इस प्रकार यदि राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।